السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. वतवा सोबिलह वतवा सोब्र मज़त साम सामियात तारीख़ के पर्दे पर ऐसे बहुत सारे लोगाहिर हुए जिन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया शान शौकत मालौलत हुकूमत व सल्तनत लेकिन उन्होंने सब कुछ गंवा दिया उनके सारे निशानात मिट गए और वह दास्तान पारीना बनकर रह गए सिर्फ़ वो बच गए जिन्हें अल्लाह ने ईमान व अमले की दौलत से नवाज़ा ईमानी ज़िंदगी गुजारी चराग ईमा को फरोज़ा किया और उस राह में पेश आने वाले तमाम मसाइब आलाम का पूरी ईमानी सब्रामत और, और ख़ंदा पेशानी से इस्ताल किया यही वो तारीख़ी हकीकत और पैगाम दिल नशी हैं जिसे सूरत असर में बयाँ किया गया है सामीन सामयात, अल्लाह की नमतें बेशुमार हैं और उसकी सारी नमतें अजीम हैं लेकिन उनमें सबसे बड़ी नमत और मारिफत और व ईमान की नेमत है जिसकी सदाकत पर तमाम कुरान इरशादाते नबवी साहब क्राम की ज़िंदियाँ गवाह हैं अल्लाह को सबसे बड़ा और हर चीज़ से बड़ा मान लेना अपने आप को नीचा बंदा मान लेना और हर किस्म की इबादतों को उसी के लिए ख़ास कर देना ये ईमान है और अल्लाह ज़िंदगी का निज़ाम फरिश्तों के ज़रिए चला रहा है उनको मानना रसूलों को मानना आसमानी किताबों और तकदीर पर ईमान ये सब ईमान का हिस्सा हैं दिल से अल्लाह पर यकीन जुबान से इकरार, आजा को उसके हुक्म के ताबे कर देना ये ईमान का मफहम है वो शख्स बड़ा बदनसीब है उसकी नमत किसी काम की नहीं अगर उसने अपने ईमान की हफाजत नहीं की अल्लाह तिरौन व कारून को क्या नहीं दिया उसने सब कुछ बर्बाद कर लिया उसे दुनिया की लानतें और आखिरत की रसवाई मिली काश व सब कुछ गंवा कर ईमान को ख़रीद लेता तो दुनिया व आखिरत के खुसरान से महफूज रहता काश उसे यह मालूम होता कि नमत ईमान को बचाने के लिए सारी नेमतें कुर्बान की जा सकती हैं इसलिए कि वह सबसे बड़ी नेमत है उस नेमत की वजह से सारी नेमतें नेमत नعمत बनती हैं अगर नमत ईमान नहीं तो सारी बाई से आजाब हैं हमारे अमाल उस वक्त तक सालह नहीं बनेंगे और अल्लाह के नज़दीक कबूलियत का दर्जा नहीं पाएंगे दीनों दुनिया में अपने पाकिज़ा जाहिर नहीं कर सकते अगर हम उन्हें ईमान बिल्लाह के साथ अंजाम न दें ईमान से आरी आमाल से मतल ही ही जलाल का ये फ़ैसला भी है वदिमन्ना फ़जाल्ल हबा अमसूरा और उन्होंने जो जो अमाल किए थे हमने उनकी तरफ बढ़ कर प्रागंदा जर्रों की तरह कर दिया आयशा रज़ी लाना ने अब्दुल्ला बिन जुदान के मतलब पूछा जो बड़े सरदार थे हाजियों के खादिम थे सिला रहमी करने वाले और बड़े सखी इंसान थे कि ए अल्लाह के रसूल उसके उनमाल का उसे कोई फ़ायदा पहुँचेगा तो आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया लायन फ़ाह इ لي यौमन रबिल़ती यौमद्दीन नहीं कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा किसी एक दिन भी उसने ये नहीं कहा कि ए मेरे रब क़यामत के दिन मेरे गुनाह को बख्श देना ईमान वो दौलत है कि अगर ये दौलत मिल गई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राम आलिया के मुताबिक एक खजूर बल्कि उसका एक टुकड़ा और एक कतर आंसू जहन्नम की आग बुझा देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा फरमाते हैं वलौ वलविशक्की तमरा सदका करके जहन्नम से बच जाओ खा खजूर का एक टुकड़ा ही हो दो आँखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी बकत मिन ख़शियत व आयन बाबात तह रसूफ़ी सबी लाला एक वो आँख जो अल्लाह के डर से तर हुई और एक वो आँख जिसने राह खुदा में पहरा देते हुए रात गुजारी हो और ईमान से आरी बड़े मोटे और भारी शख्स का वैल्यू और वज़न भी अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा जैसा कि रसूल फरमाते हैं इन्हूलयात रजसमिनआज़ीमय़ियाम लाज़न जनाज़ाह बिलाशुबह क़्यामत के दिन एक बहुत भारी भरकम मोटा शख्स आएगा लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी कोई कदर नहीं रखेगा लेकिन साहब ईमान बड़ा वज़नी भारी होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी लन के तल्लुक से फ़रमाया जब वो मिसवाक तोड़ने पीलू के दरख्त पर चढ़ गए हवा के झोंके से कमज़ोर जिस्म पतली पिंडली वाले अब्दुल्ला हिलने लगे उस मंजर को देख कर साहब कराम हंस पड़े उस मौका पर आप सला वम ने फ़रमाया अतज़ हकु न मिन दति साधि नफसी भी अदी लहुमा असलूफ़िल्मीज़ान मिन जब अलीद तुम लोग उनकी पतली पिल्लियों को देख कर तजब कर रहे हो वल्ल उनकी दोनों पिल्लियाँ क़यामत के दिन मीज़ान अमल में अहद पहाड़ से ज़्यादा भारी होंगी सामियन वामयात ईमान की दौलत नसीब हो जाए तो बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है इर्शाद बारी तला है अल्लाह वली आमन यिनमूर ईमान लाने वालों का कारसाज़ अल्लाह खुद है वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है ईमान एक ऐसी आयनक है जिसे लगा लो तो हर चीज़ सही नजर आती है वरना हर चीज़ उल्टी नज़र आती है और ईमान से महरूम लोगों का अंजाम भी उल्टा होता है इसलिए ईमान की कदर करें यह कायनात की सबसे बड़ी दौलत है दुनिया व आखिरत में हर एतबार से फ़ायदेमंद है हकीकी कामयाबी व अबदी कामरानी का ज़ामिन है यह दखूल जन्नत की कुंजी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह मल़ी ला अल्ला लायुश्रिकखल अल जन्न जिसने अल्लाह से इस हाल में मुलाकात की कि वो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था तो जन्नत में दाखिल होगा साम सामत ईमान के साथ अमल साले भी ईमान का जुज़ है जिससे इंसान की रूह तंदुरुस्त व ताज़ा और ज़िंदा रहती है जिस तरह गैर साल गैर मुतवाजन और बदबूदार गजा से इंसान के जिसम को बीमारी लाइक हो जाती है इसी तरह बुराई बदी गुनाह मुहर्रमात के इरतकब से इंसान की रुह बीमार पड़ जाती है वो नापाक व पलीद हो जाती है इसलिए कि गुनाह गंदगी है नजिस है और जिस तरह इंसान अपने जिसमानी अमराज के इलाज के लिए दुनिया के चक्कर लगाता है और अपनी पूरी दौलत हसूल सेहत के लिए खर्च कर देता है इसी तरह हमारी रूह अगर बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज की फ़िक्र होनी चाहिए और उसके तस्किया व तकहर व अरता की फ़िक्र दामनगीर होनी चाहिए याद रखें अल्लाह की जन्नत अरश इलाही के बाद सबसे पाकिज़ा जगह है सबसे खूबसूरत है उसका एक नाम हसना भी है लदीन अहसनल हसन वजिया इसलिए उस पाक जगह पर किसी नापाक गंदे इंसान के जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की पाकि व पाकिजगी और उसके कल्ब की तहारत का बड़ा और उम्दा इंतज़ाम किया है ताकि वो उस तरबती ढांचे में ढलकर अपने मुस्तकबिल को रोशन बना ले और अल्लाह की जन्नत को हासिल कर ले इसलिए कि इंसान इस दुनिया में जन्नत का मुसाफिर है ये अल्लाह अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है ये जितनी मोहब्बत करता है उतनी मोहब्बत वालदेन भी अपनी औलाद से नहीं करते ये जितना प्यार शफ़त और रहमत का मामला अपने बंदों से करता है कोई माँ अपने बच्चे से नहीं करती एक जंग में एक औरत का बच्चा गुम हो गया अब वो जिस छोटे बच्चे को देखती उसे सीने से लगा लेती और कलेजे से चिमटा लेती उसे दूध पिलाने लगती थी रसूल अलैहि वसल्लम ने सहबे के राम से पूछा अच्छा बताओ क्या ये औरत पसंद करेगी कि अपने शीर ख़ार बच्चा को आग में डाल दे सहाबा ने अर्ज़ किया ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी तो आप सल्हस ने फ़रमाया उस औरत को अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत है और आग में जलने से नफ़रत है अल्लाह उस औरत से कहीं ज़्यादा अपने मोमिन बंदों से मोहब्बत करता है वो अल्लाह खुद फ़रमाता है मायफ़ आल्ल अदाबीक शकर तुम व आमन तुम्कानल्ला शाह कि रन जितनी इबादतें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं ये सब बंदों की सफ़ाई व पाकिजगी के लिए की हैं ताकि उसके बंदे पाक होकर पाकिज़ा जन्नत में चले जाएँ जैसा कि नबी करीम ने हज के तल्लु से फ़रमाया है मन हज फ़लम यरफुस वलम यफसुख रजा का योमी वदतम यानी जिस शख्स ने हज किया और दौरान हज उससे कोई फ़हश गोई और गुनाह नहीं हुआ तो वो उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जना था वल हजलमबरूल जज़ा अल्ल जन्ना और हज मकबूल का बदला तो जन्नत ही है नमाज से मतलब अल्लाह के नबी सलील वसम फरमा रहे हैं अगर किसी शख्स के दरवाज़े पर नहर जारी हो और वह रोज़ाना उसमें पाँच दफ़ा नहाए तो क्या उसके जिसम पर मैल बाकी रह सकता है सहाबा ने अर्ज़ किया कि नहीं यार अल्लाह आपने फ़रमाया कि यही हाल पाँचों वक्त की नमाजों का है अल्लाह उनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है और ये रोज़ा भी इंसान के गुनाहों को पाक साफ करके उसके दिल में तकवा पैदा करता है ये बुराइयों से दूर रखता है जैसा कि हमारे नबी सल्ला वसम फरमा रहे हैं अक्सिया मुजन्े रोज़ा गुनाहों से महफूज रहने का ढाल है फिर रमज़ान का माना ही गुनाहों को जलाना है उसे रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि यह बंदों के आमाल साल के सबब गुनाहों को जला देता है इसी तरह ज़क़़़़़त और सदक़ के फ़लसफा विकमत को बयान करते हुए कुरान नातिक है ख़ुद मिन अमालिम सदता हिर हम व तोजी हम बिहा आप उनके मालों में से सदका ले लीजिए जिसके ज़रिए से आप उनको पाक साफ कर दें और उनके लिए दुआ कीजिए गुनाहों से पाकि व सफाई की खातिर कुदरत ने एक निराला इंतज़ाम ये फरमाया है कि उसने गुनहगारों की माफी सफाई के लिए तोबा का दरवाज़ा खोल दिया है जो रब का बड़ा कर्म एहसान है तोबा के लिए हमें किसी मुर्शिद के पास जाने उसे अपना राज बताने ज़िल्लत जिलत करने उसे नजराने अता करने तावीज़ गंडे लटकाने की ज़रूरत नहीं ये बंदा और रब का मामला है बस बंदे से कोई चूक हो गई नाफरमानी कर बैठा तो फ़ौरन वो अल्लाह के हुजूर अपने गुनाह का एतराफ़ कर ले आइंदा ना करने का आजम वादा भी कर ले हाँ अगर उसने किसी की हक तलफी की है किसी बंदे पर जुल्म किया है तो उससे अपने मामला को रफा दफ़ा कर ले फिर वो बशारत इलाही सुने आसा रब्बू को मयूकफ फ़िरकुम सतिकुम वकुम जन्नातन मिन तहतिहल अनहार करीब है, है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें जारी हैं इनताबा व आमन क्यूबिल्ल सती मसनात वक़ानल्ला ग़फ़ूर और रहीम सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देता है अल्लाह बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला है बसा अवात बंदे से जब इबादत अलाही में ख़ल हो जाता है या वो मार्शियत अलाही का बैठता है या अल्लाह अपने बंदों के रफ़ ऐजाजात गुनाहों की माफ़ी के लिए या उसके ईमान सब्र का इम्तहान लेने के लिए مختلف शक्लों में उसे मसाइब से दो चार कहता है तो उस संगीन घड़ी में हमें चाहिए कि सब्र करें गौज़ के बजाय अल्लाह को पुकारें इ ला वा लाजआउन कहें उसकी रहमत को आवाज़ दें और दिन वापसी की कोशिश करें फिर क्या होगा उलाई का अल सलवात रब वह व उला का हमुलमहतदून उन पर उनके रब की नवाजिश और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ़्त हैं अमल साल के तल्ल से इस हकीकत को जहन नशी कर लें कि अमल साल वो नहीं है जिसे हम अमल कह दें वो भी नहीं है जिसे आप नेकमल समझ लें बल्कि इस्लाम ने उसका मैार मुतन किया है आप उसे किताब सुन्नत के मीज़ान पर तोल कर देखें और ये समझ लें कि हर वो अमल नेक अमल है जिसे करने न करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया है जैसे सच बोलना नेकी है और झूठ से बचना भी नेकी है निकाह करना एक अमल है और ज़ना से बचना भी अमल साल है और किसी भी नेक अमल की कबूलीत के दो शरात हैं हमारे उस अमल का महर्रिक ऱाई इलाही का हसूल हो और हमारा वो अमल सुन्नत रसूल हो फरमान इलाही है मनामिल मंदन और उनफ़ा व ममिन फ़लन हयातबता वज़न्ना अजरम बहसनीमा गमलोन जो शख्स नेक अमल करे मर्द हो या औरत लेकिन बाईमान हो तो हम उसे यक़ी नहायत बेहतर ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे और उनके आमल का बदला भी उन्हें ज़रूर ज़रूर देंगे अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे ईमान पर ज़िंदा रखे खात्मा ईमान पर हो और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर लें व आखर उ रबालमीन و السلام علیکم